सड़क पर दो वर्दीधारियों के बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा दो वर्दीधारियों के बीच हुआ विवाद और हाई वोल्टेज ड्रामे में अब होगी सख्त कार्रवाई आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज मैं हूं शहजादी परवीन भागलपुर के कचहरी चौक पर दो वर्दीधारियों के बीच विवाद हुआ और हाई वोल्टेज ड्रामे में अब सख्त कार्रवाई होने की जानकारी मिल रही है बताया जा रहा है कि कचहरी चौक पर जीरो माइल थाने में तैनात महिला दरोगा की दमबंगई को वरीय अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है यही नहीं, नहीं बाकायदा पूरे मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है वहीं जांच का जिम्मा ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह को सौंपी गई है इस सिलसिले में शनिवार को ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह ने कचहरी चौक पर पहुंचकर जमादार दशरथ यादव से पूरे मामले की जानकारी ली इस दौरान जमादार दशरथ यादव ने जांच अधिकारी को बताया कि कैसे महिला दारोगा ने बीते शनिवार को उनके साथ बदसलूकी किया उन्होंने कहा कि वह कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे इसी क्रम में बिना हेलमेट के एक स्कूटी सवार युवक ने वन वे व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए पूरे नियम कानून को पैरों तले रौंद दिया जिसके बाद उन्होंने उक्त स्कूटी को जब्त कर लिया इसके उपरांत स्कूटी जब्त होने की जानकारी मिलते ही महिला का कचहरी चौक पहुंच गई और उन्होंने जमादार को जमकर खरी खोटी सुनाई यही नहीं जमादार वन वे उल्लंघन और बिना हेलमेट के स्कूटी चलाने की जानकारी महिला दारोगा को लगातार दे रहे थे लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और जब्त किए गए स्कूटी को जबरन ट्रैफिक पुलिस से छुड़ा ली गई जांच में प्रारंभिक तौर पर यह भी पता चला है कि वह जब्त स्कूटी महिला दारोगा की ही थी जिसे उनका निजी चालक चला रहा था जांच अधिकारी ने जांच के क्रम में उस दिन ट्रैफिक में तैनात सिपाहियों से भी एक एक कर घटना के बारे में पूछा सूत्रों की माने तो महिला दारोगा की इस दबंगई और अनुशासनहीनता से पुलिस के वरीय अधिकारी भी खासे नाराज हैं ऐसे में महिला दारोगा पर कार्रवाई की तलवार अब लटकनी शुरू हो चुकी है वहीं महिला दारोगा के पति भी जिले में थानेदार है वहीं इस घटना से वो भी आहत बताए जा रहे हैं बिहार और झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज मैं हूं शहजादी परवीन